हे गाइस, वेलकम टू wealthdekho.com। मेरा नाम है देव। आज के इस वीडियो के अंदर मैं एक प्रोडक्ट का यहाँ पे रिव्यू करने वाला हूँ जो पर्सनली मैं पिछले एक साल से यूज़ करता हूँ। ये कोई स्पॉन्सरशिप पोस्ट नहीं है, मैं यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे लगा आप लोगों के साथ में भी यहाँ पे शेयर करना चाहिए। तो देखिए गाइस, होता क्या है कि जो शेयर मार्केट की जो ट्रेडिंग है वो तो बहुत सारे काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म अवेलेबल है इंडिया के अंदर, लेकिन जहाँ पे बॉन्ड्स की बात आती है तो बॉन्ड को अप्लाई करने के दो तरीके होते हैं। एक होता है आपका प्राइमरी मार्केट, मतलब सिंपल जब IPO आता है तब आप अप्लाई कर सकते हैं, बॉन्ड का IPO आता है तब अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड तरीका होता है सेकेंडरी मार्केट से बॉन्ड को बाय करना। तो देखिए गाइस, होता क्या है ना, कई सारे जो हमारे लीडिंग प्लेटफॉर्म्स भी इवन ज़ीरोधा भी है, तो जब भी बॉन्ड यहां पे IPO के अंदर इशू होता है तो वहां पे आपको ज़ीरोधा के ऊपर वो अवेलेबल नहीं दिखाता। इवन गाइस, रिसेंट यहां पे मैंने टेलीग्राम ग्रुप के अंदर आपको बताया भी था कि मैंने यहां पे इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का NCD बाय किया है, तो वो भी आप देखेंगे तो आपको ज़ीरोधा के ऊपर डायरेक्ट यहां पे बाय करने के लिए आपको नहीं मिलेगा। सो गाइस, सिंपली वे में IPO के अंदर जो भी बॉन्ड्स यहां पे इशू होते हैं, अगर आपको उसको बाय करना है तो उसके दो तरीके होते हैं। एक होता है बैंक की आपको ASBA फैसिलिटी यूज में लेनी पड़ती है, लेकिन मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि मैं सारे ऑलमोस्ट जितने भी इंडिया के टॉप लीडिंग बैंक है सभी के बैंक अकाउंट्स है मेरे पास में, तो मैं वो सारे यूज करता हूं। तो मुझे बस उसमें मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है कि सिर्फ जो कोटक महिंद्रा बैंक है उसकी जो ASBA फैसिलिटी वो काफी कमाल की है, उसके अंदर आपको सारे बॉन्ड्स मिल जाएंगे। लेकिन जो बाकी अदर्स है, फॉर एन एग्जाम्पल ICICI बैंक का ICICI डायरेक्ट हो गया, SDFC सिक्योरिटीज हो गया, तो उन सभी के अंदर वो सारे बॉन्ड्स अवेलेबल नहीं हो पाते जो IPO के अंदर इशू होते हैं। तो गाइस, अब बॉन्ड सिर्फ खरीदने के लिए आप कोई अलग से बैंक अकाउंट तो खुलवाएंगे नहीं। तो गाइस, दूसरा तरीका है सिंपली, ऐसे कई सारे प्लेटफॉर्म अब इंडिया के अंदर आ चुके हैं जो बेसिकली बॉन्ड इन्वेस्टमेंट को यहाँ पे इजी बना देते हैं, जिसमें से गाइस एक का नाम है goldenpie.com। जी हाँ, तो गाइस ये प्लेटफॉर्म बिल्कुल सिंपल है, यहाँ पे आपको IPO वाले जो जितने भी बॉन्ड्स हैं वो भी मिल जाते हैं, प्लस आपको अगर सेकेंडरी मार्केट से बॉन्ड कोई बाय करना है तो वो भी आपको मिल जाता है। तो गाइस, सिंपली goldenpie प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको यहाँ पे साइन अप करना पड़ता है, आपको सिंपली यहाँ पे KYC देना पड़ता है, KYC के अंदर आपको अपना पैन कार्ड देना पड़ता है, अपना आधार कार्ड नंबर देना पड़ता है, प्लस आपका जहाँ पे भी डीमैट अकाउंट है तो उसका आपको एक स्टेटमेंट निकाल के देना पड़ता है, DP स्टेटमेंट बोला जाता है उसके अंदर। तो आपका जो NSDL या CDSL का जो DP स्टेटमेंट होता है वो इनको प्रोवाइड करना पड़ता है। सो गाइस, अब मेरी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं यहाँ पे 10 लाख रुपीज का अंदर मेरा बॉन्ड के अंदर भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है। तो अभी आप देख सकते हैं ऊपर देखेंगे यहाँ पे इंडिया बुल्स का भी जो नया वाला लेटेस्ट IPO वो यहाँ पे चल रहा है, जो मैंने यहाँ पे सब्सक्राइब भी किया था, मैंने बेसिकली ASBA फैसिलिटी के थ्रू किया था। लेकिन आप जिनके भी कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर अकाउंट नहीं है या फिर मान लो ये जो NCD वगैरह लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली goldenpie के साथ में यहाँ पे जा सकते हैं। गाइस, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको बाय कैसे करना है, क्या ये सिक्योर प्लेटफॉर्म है या नहीं है, तो इन सभी के बारे में मैंने एक अलग से एक वीडियो बना रखा है जिसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो इस वीडियो को देखने के बाद में आप वो वीडियो यहाँ पे देख सकते हैं कि जहाँ पे मैंने आपको लाइव बता रखा है कि किस तरह से आप goldenpie प्लेटफॉर्म के ऊपर अपना कोई भी जो बॉन्ड होता है वो कैसे यहाँ पे बाय कर सकते हैं। और गाइस, ये इवन 100% सिक्योर है। कंपनी की बात करूं तो ज़ीरोधा से ये फंडेड कंपनी है, तो आप इसके ऊपर डेफिनेटली यहाँ पे ट्रस्ट कर सकते हैं। सो गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल। अगर आपके कोई भी डाउट्स है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू।